मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदरनगर में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये अस्पताल कोविड-19 रोगियों के लिए समर्पित किया गया है। उन्होंने सलापड़ में BBN कॉलोनी के पुराने भवन का भी दौरा किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोविड-19 रोगियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरजौक में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तर की क्षमता को बढ़ाकर 5,000 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय को कोविड-19 अस्पताल के रूप में समर्पित किया गया है और अस्पताल के निकट परिसर में अतिरिक्त 100 बिस्तर वाला अस्थायी अस्पताल का काम भी अगले 4-5 दिनों में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को और बढ़ाने का काम कर रही है। कांगड़ा जिला के राधा स्वामी परिसर परौर में कोविड रोगियों के लिए 1,000 बिस्तर तक की क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित करके इसे क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में MCH भवन का काम 1 माह में पूरा हो जाएगा, जिसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने बाहर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों से RT-PCR परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने और 2 सप्ताह की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन रहने का आग्रह भी किया है। पूरे प्रदेश में कोविड के मामलों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सारे अरेंजमेंट को अपग्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। उस दृष्टि से मंडी जिले के अंतर्गत अभी तक हमारी जो बेड कैपेसिटी है वो हमने पहले ही इनहांस कर दी है, पहले ही हमने उसमें बढ़ा दिया है। और नेचर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को पूरा डेडिकेट किया है कोविड के लिए। और उसी के साथ में हमने एडजॉइनिंग में एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो है वो लगभग 100 बेड की और एकोमोडेशन जो वहाँ पर की है, और जो 4-5 दिन के अंदर बंद कर जा चुके हैं। BBMB का हमारा सुंदरनगर में, वहाँ पर भी हमने बेड्स जो है वो डेडिकेट किए हैं पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट के लिए, और वो भी अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रत्ती की हमारी जो CHC है वहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, हमें और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए कल मैं कांगड़ा जिला गया था, और कांगड़ा जिला में हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ में एक हमारा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पपरोड़ा में, वहाँ पर लगभग 150 बेड की कैपेसिटी प्लान की है। और उसके साथ आगे बढ़ करके हम परौर में भी हमने प्लान किया है, जो राधा स्वामी सत्संग का एक बड़ा स्थान है, वहाँ पर आने वाले समय में पहले तो 250 की कैपेसिटी से हम शुरू करेंगे उसको, ऐसा प्लान किया है। लेकिन आगे बढ़ करके वो 1000 की कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी का हो सकता है। उसी तरह से मंडी के अंतर्गत यहाँ सलापड़ में भी, जहाँ आज हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर भी BBMB के बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं। प्रोजेक्ट जब यहाँ पर चलता था तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट हैं, यहाँ काम करने की ज़रूरत है उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत जल्दी में कहाँ कर सकते हैं ये व्यवस्था, तो उस दृष्टि से इसको भी हमने देखा है। और इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बारे में और निर्णय लेंगे। सुंदरनगर में हमने अभी कल ही हमने जो है MCH का इनॉग्रेशन किया है। 50 बेड बिल्कुल नई बिल्डिंग बनकर के तैयार की है, और वो बिल्डिंग हमने डेडिकेट की है फिलहाल, जब तक कोविड का संकट है तब तक के लिए वो कोविड के पेशेंट के लिए अपनी सेवाएं देगी। उसी प्रकार से मंडी में हमारा MCH का जो बिल्डिंग का काम चल रहा है उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हमने सोचा है कि उसको पूरा कर लेंगे, और उसके लिए जो फंड्स की अवेलेबिलिटी का एक इशू था, फंड उसमें और भी दे दिए गए हैं ताकि उसको हम पूरा कर सकें। क्योंकि हमारा टारगेट है हिमाचल प्रदेश में हम इस कैपेसिटी को बढ़ा करके, बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके लगभग जो है 5000 तक कर सके, ताकि अगर कहीं सर्च नहीं रुकता है, लगातार इसमें बढ़ोतरी होती है, तो हम पेशेंट के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी तैयारी रखें।
सर हिमाचल में आज एंट्री को लेकर जो है बदलाव हो रहा है सर, इसके लिए क्या निर्देश देंगे सर लोगों के लिए? एंट्री को लेकर के बदलाव में बहुत बड़ी चीजें नहीं है, उसमें यही है कि जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो वो है जो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, अपने घर आना चाहते हैं, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कहीं बाहर दूसरे शहर में है, तो उनको हमने कहा कि आप आइए, लेकिन उसके बावजूद अगर आते वक्त आप RT-PCR टेस्ट करवा करके आए तो आपको सुविधाजनक होगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, आप घर में उनके साथ सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर RT-PCR टेस्ट नहीं है, उस सूरत में इस बात को सुनिश्चित करें कि आप घर जाने के साथ साथ तो हम होम आइसोलेशन में चले जाएं, होम आइसोलेट करें अपने आप को, और होम आइसोलेट करने का मतलब यह है कि आपको परिवार के लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ नहीं मिलना है, और यही शहर के लोगों के साथ भी हमने उसमें इस व्यवस्था को जोड़ा। इसमें खासतौर से जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारे पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो हमने बात की है, एक मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं, जो लोग भी आ रहे हैं तो गांव में मालूम पड़ जाता कौन आया कौन गया यहाँ गांव में, तो उस दृष्टि से सारी चीज को बेहतर ढंग से मैनेज करने की उस तरह से प्रयास किया सर। ये भी इसके लिए हमने बार बार जो है जो जागरूकता की दृष्टि से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि मैं किसी आदमी के कोविड पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आया, तुरंत उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, इससे संक्रमण और ज्यादा फैले तो टेस्ट करवाना चाहिए। कोई आदमी ऐसा लगता है जिसको लगता है कि बुखार आ गया है, कुछ इस तरह की परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित, तुरंत उसको जो है कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए, इस बात के लिए आग्रह करेंगे सर। आपने के लिए फिर व्यवस्था है जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जहां जहां भी उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्लान किया है वहां पर जाकर के वो अपना प्लान